नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज फिर से मैं आपको एक मर्दाना ताकत का बहुत ही स्पेशल, बहुत ज़्यादा पावरफुल नुस्खा बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वो फार्मूला है जिसके लिए आज के टाइम पे दुनिया पागल है। इस तरीके के नुस्खे के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं मगर वो ये चीज़ नहीं मिल पाती। मैं आपको दोस्तों आज वो चीज़ बताने वाला हूँ, आयुर्वेद का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है, आजकल यूट्यूब के ऊपर हजारों चैनल हैं, हजारों, और हर कोई अपना खुदू टोला लगाने पे लगा होता है, तुक्के मारने पे लगा होता है। ये खा लो, दालचीनी खा लो, जायफल खा लो, लौंग खा लो, इलायची खा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा इस दुनिया में जिसने लौंग या जायफल या दालचीनी ये चीजें ना खाई हो, क्योंकि दोस्तों मसालों के रूप में हर घर में ये चीजें डेली यूज होती हैं। अगर ये चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल होती तो किसी को भी नामर्दी की दिक्कत क्यों होती भाई। अगर इनके अंदर इतनी पावर होती कि ये नामर्दी को खत्म कर दें अकेले ही, तो आज के टाइम पे लोगों को ये समस्या क्यों होती भाई। हर घर में ये चीज यूज हो रही है तो क्यों हो रही है ये दिक्कत। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं, फुद्दू टोले हैं, खाली अपना व्यूज बढ़ाने के लिए और ए टू जेड जो भी आप मान लें, तो खाली ये तुक्कों वाली बातें हैं, ये बिल्कुल भी कामयाब चीजें नहीं है। कुछ हद तक दोस्तों ये चीजें कारगर होती हैं, दालचीनी खानी चाहिए, शरीर को गर्मी देती है, ताकत देती है, फायदा करती है शरीर को। दालचीनी भी, जायफल भी, लौंग, इलायची, जो भी जितने भी मसाले हैं शरीर को ये फायदा देते हैं अपनी अपनी जगह पे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ज्यादा ताकत दे दें जितनी YouTube पे बताई जाती है कि दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रख लो, जब तक वो मुंह में रहेगा वीर नहीं निकलेगा, अकरकरा रख लो। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, यह खाली एक आयुर्वेद को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। आज मैं दोस्तों आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, इसे यूज करो और उसके बाद मुझे बताना कि इसने क्या रिजल्ट दिया। दोस्तों मैं आपको ये पहले फार्मूला बताऊंगा इस वीडियो में और अगली वीडियो में टोटल ए टू जेड में जो जो चीजें इसमें डलेंगी, जैसे जैसे डलेंगी वो सब मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी जानकारी देना संभव नहीं है। दोस्तों आप 20 ग्राम ले लें शुद्ध पारा, पारा शुद्ध किया हुआ आप ले लें 20 ग्राम, और 20 ग्राम आप ले लें शुद्ध गंधक। दोस्तों जो मेरे भाई पारे पे काम नहीं करते या ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं है, तो वो किसी अच्छे वैद्य से ये दोनों चीजें शुद्ध करवा के ले ले। तो बाकी इसे शुद्ध करने के तरीके दोस्तों मैंने बताए हुए हैं, 8 संस्कार करने के बाद पारे के पारा शुद्ध हो जाता है और इसी तरीके से आगे 108 तक संस्कार होते हैं पारे के। जितना ज्यादा उसका शोधन किया जाता उतना ज्यादा वो अच्छा शोधन उसका होता, उतना ज्यादा वो पावरफुल बनता जाता, मगर 8 संस्कार करने के बाद अच्छे से आप पारा अपने नुस्खों में यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आते हैं नुस्खे पे, गंधक और पारा दोनों 20-20 ग्राम ले लें, मजबूत खरल में डाल के इनकी घुटाई करें। इसकी घुटाई दोस्तों लगातार आपको, लगातार नहीं लगातार तो दोस्तों बहुत ज्यादा इसकी रगड़ाई होती है, तो इतने टाइम लगातार कोई भी रगड़ाई नहीं कर सकता। आप डेली 3-4 घंटे इसकी रगड़ाई करें, 3-4 घंटे करें आप लगातार, 10 दिन कर लें तो 30 घंटे इसकी रगड़ाई हो जाएगी, तो बहुत ही जबरदस्त ये दोस्तों काले रंग का पाउडर बन जाएगा गंधक और पारे का, वो कजली कहलाती है, कजली। इसके बाद दोस्तों कुछ जड़ी बूटियां इसमें डलनी है, इस कजली को आप खरल में रहने दें, खरल को ढक के रख दें, खरल को हमने रख दिया अलग, अब जो जड़ी बूटियां मैं बता रहा हूं। दोस्तों छोटी इलायची के बीज 20 ग्राम, पान की जड़ 20 ग्राम, अकरकरा ईरानी 20 ग्राम, सफेद मूसली 20 ग्राम, काली मूसली 20 ग्राम, दोस्तों शिलाजीत आपको लेना है 50 ग्राम, शिलाजीत 50 ग्राम। उसके बाद दोस्तों सालम पंजा 20 ग्राम, उटंगन के बीज 20 ग्राम, काले धतूरे के बीज दोस्तों शुद्ध किए हुए
काले धतूरे के बीज शुद्ध किए हुए। शुद्ध करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गाय के दूध में धतूरे के बीजों को डाल दें, कुछ दिन उसमें पड़ा रहने दें, और दो दिन पड़ा रहने दें, उसके बाद उस दूध को निकाल दें। जो आपके धतूरे के बीज हैं उन्हें आप छान के अलग निकाल लें और उन्हें सुखा लें, और हल्का उन्हें घी में भून लें, देसी घी में हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का हल्का भून लें। बीज आपके शुद्ध हो गए। इसके बाद दोस्तों आपको ले लेना कैंचुआ 100 ग्राम। कैंचुआ दोस्तों साफ किया हुआ, उसमें से मिट्टी मिट्टी निकाल के 100 ग्राम मटेरियल जो हमें चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कशकाश का जो डोडा होता है, गुलनार जिसे बोलते हैं, कशकाश का डोडा यानी कि अफीम के पेड़ के ऊपर जो वो डोडे लगते हैं जिनमें से कशकाश निकलती है, वो वाला डोडा आप ले लें, उसका आप 100 ग्राम उसे ले लें। इसके अलावा दोस्तों कशकाश का डोडा हो गया, और उसके बाद दोस्तों 20 ग्राम कशकाश लेनी है, कशकाश का दाना जो कशकश पंसारी के पास मिलते हैं वो आप ले लें। इसके अलावा दोस्तों लौंग, सुपारी, जायफल, लौंग, सुपारी, जायफल, ये भी दोस्तों 20 दोस्तों लौंग, जायफल और जावित्री, सुपारी नहीं लेनी, जावित्री लेनी है। 20 ग्राम लौंग, 20 ग्राम जायफल और 20 ग्राम जावित्री, 20 ग्राम दोस्तों कपूर, 20 ग्राम रेगमाही, 20 ग्राम भांग के बीज, और 20 ग्राम दोस्तों अजवायन खुरासानी, और 20 ग्राम आपको ले लेना है केसर। जी हाँ दोस्तों, केसर, कश्मीरी केसर 20 ग्राम। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो भस्में डालनी है वो है तांबा भस्म 10 ग्राम और चांदी भस्म 10 ग्राम, मोती भस्म 10 ग्राम, कुकटांतवक भस्म 10 ग्राम, और बंग भस्म इसमें डालनी है दोस्तों 20 ग्राम। ये हमारे मटेरियल हैं, और इन्हें दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा और इनकी क्वांटिटी भी लिख दूंगा। तो अब दोस्तों क्या करना है, आपको इन सारी जड़ी बूटियों का, जो भी हमारी जड़ी बूटियां बिल्कुल स्वच्छ साफ की हुई, इनका आपको बारीक पाउडर बना लेना। यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 20 ग्राम शुद्ध कुचला भी डालना है, 20 ग्राम शुद्ध कुचला। तो ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इनका सबका दोस्तों पाउडर बना लें, बारीक पाउडर बना लें और उसे कप्पड़ छान कर लें। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ मेरे भाई जल्दबाजी करते हैं, वो फटाफट कूटते हैं, और दोस्तों इसे कूटना ईमानदस्ते में ही है, ये भी आप ध्यान रखें। अब कुछ भाई क्या गलती करते हैं कि जब देखते हैं कि नहीं ये कपड़ छान नहीं हो रहा, छोड़ो ऐसे ही डालो, तो दोस्तों ये गलती यहां पे बिल्कुल नहीं करनी। देखो दोस्तों, जहां पे हमारे 10-15 दिन लग रहे हैं कजली बनाने में, वहां पे 2 दिन और सही, कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं है काम। भाई जहां पे हम 10 दिन लगा रहे हैं पारे और गंधक की कजली बनाने पे, तो 10 दिन हमारे लग गए, तो 2 दिन और लगा लो, क्या क्या जा रहा है। तो वो भी दोस्तों ये नहीं है कि पूरा दिन लगे ही रहना, बस घंटा 2 घंटा कूटो, और उसके बाद अगर पूरा नहीं कूटता तो अगले दिन कूट लो, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि एक ही दिन में हमें पाउडर बनाना बारीक। तो उसे दोस्तों कप्पड़ छान कर लेना है। कप्पड़ छान करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको खरल में डाल देनी है कजली के साथ, जो हमारी पारे और उसकी गंधक की कजली बनी है उसमें आप डाल दें, भस्में भी इसमें वैसे ही आप डाल दें, या अगर आप चाहें तो कजली के साथ भस्मों की 2 घंटे घुटाई अलग से कर लें, या इकट्ठी ही डाल दें, तो भी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इसमें आपको डालना है पान का रस, पान के पत्तों का रस निकाल के डालना है, उसमें इसे घोटना है। अच्छे से घुटाई करने के बाद इसमें दोस्तों आपको 250 ग्राम बड़का दूध भी डालना है, 250 ग्राम बड़का दूध, बड़का दूध भी डाल दिया, घुटाई करते रहो 3-4 दिन, घुटाई कर दो अच्छे से, जबरदस्त वाली मजबूत हाथों से। अब दोस्तों जब आप देखें कि ये गोलियां बनाने के लायक हो गया है, तो एक मटर के दाने के बराबर गोली बना लें। सुबह शाम दोस्तों एक गोली खाएं, एक गोली दूध में 2 चम्मच देसी घी डाल के गर्म दूध के साथ आप खाएं सुबह और शाम दोनों टाइम। और दोस्तों दूध घी का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ताज़े फल हरी सब्जियां ये ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है,
दोस्तों मर्दाना ताकत ये इस तरीके की पैदा कर देगा कि आपके सामने 10 औरतें भी कम पड़ जाएंगी। इतनी जबरदस्त मर्दाना ताकत और जबरदस्त टाइमिंग इससे पैदा होगी कि जो मेरे भाई 40 साल के 50 साल के हो गए हैं और वो उन्हें 20 साल से 30 साल से दिक्कत है, सेक्स करते टाइम मजा नहीं आता, शीघ्र पतन हो जाता है, इरेक्शन सही से नहीं आता, तो इस तरीके की समस्या जिन भाइयों को है जिन्हें सेक्स के मजे का पता भी नहीं है कि सेक्स करने में क्या आनंद आता है, जिन्हें इस बात का पता नहीं है, वो मेरे भाई एक महीना इस फार्मूले को यूज कर लें, जिंदगी भर गुण गाते नहीं थकेंगे, शरीर में दोस्तों घोड़े की तरह जान आ जाएगी, घोड़े की तरह। और दोस्तों अब यहाँ पे एक मैं आपको बात बता दूं, बहुत सारे मेरे भाई वीडियो अपलोड करते हैं कि हाँ जी इसे खा के ये हो जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, मगर दोस्तों उनकी खुद की कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें अगर थोड़ा सा धक्का मार दिया जाए, इस तरीके से धक्का मार दिया जाए तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके के बंदे भी यूट्यूब पे इस तरीके के नुस्खे बताते हैं और घोड़े जैसी लोगों के अंदर ताकत बना देते हैं तो और बहुत सारे का ज्यादातर लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं। वो उनसे ये नहीं पूछते कि भाई साहब आपको देख के तो ऐसे लग रहा है कि मतलब आपको धक्का मार दिया तो आप गिर जाएंगे। तो दोस्तों किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और बाकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।